स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग टायसन हैंडपंप मैकेनिक्स संघ ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपनी समस्याओं को लेकर सीएम हाउस पर डेरा डाला। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया, टायसन हैंडपंप टेक्नीशियनों को 1984 से हैंडपंपों का साधारण कार्य कर रहे हैं। नियमित व स्थायी कर्मी 90% का लाभ दिया जाना चाहिए। चुनाव से पहले सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में एकत्रित हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसी विभाग के जो टायसन के पद पर काम कर रहे हैं, कम से कम प्रदेश में 200 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें मात्र 9000 रुपये तनख्वाह दी जाती है और प्रतिदिन वो 50 से 60-80 किलोमीटर अपनी गाड़ी से जाते हैं, जिसका पेट्रोल बहन को अपनी जेब से करते हैं। लगातार सरकार से मांग कर रहे पिछले कई दिनों से, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चुनावी साल है, चुनावी साल में इस बार फिर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर टायसन विभाग के जो कर्मचारी हैं, पीएचसी जो कर्मचारी जो नल सुधारते ग्रामीण क्षेत्र जाते, वो आए हैं। आप देखना ये कि शिवराज सिंह चौहान उनकी बातों कितनी गंभीरता से लेते हैं। हम जानना चाहेंगे क्या समस्या है। पहले आपका नाम बताइए। अशोक कुमार शर्मा, क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि हम लोग 1984 से आज तक हैंडपंपों के संधान का कार्य कर रहे हैं। समस्त हमारे कर्मचारी, हमारे जो भाई अनगिनियों से आए हैं, वो सब काम ये कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, चाहे हम लोग रास्ते में मर जाए, चाहे अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी करें, जब यहाँ हम आते हैं मांगते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलता है। तो जब ये अभी अचानक इसमें संविदा की जो बात हुई अभी 10 दिन पहले, तो इसमें संविदा कर दिया। लेकिन संविदा और ट्राइसम हैंडपंप टेक्नीशियन दोनों सवर्ग है, दोनों में एकरूपता रहेगी, ऐसा कैबिनेट ने पास कर दिया 2018 में। तो जब 2018 में पास कर दिया है, उस समय माननीय प्रमोद अग्रवाल साहब थे, पीएस थे, तो जब उन्होंने पास कर दिया तो इस तरह का आदेश हो गया यहाँ से कि उनको सब कुछ सुविधाएं दी जाएगी, हमको नहीं दी जाएगी। माननीय मलय श्रीवास्तव साहब ने हम लोगों को स्थायी कर्मी करने के लिए फाइल वित्त विभाग भेज दिया, विधि विभाग से पास हो गई। अब पास होने के बाद जब माननीय सीएम साहब की दस्तखत भर रह गई, मंत्री ने अनुमोदन कर दिया राज्य मंत्री ने, फिर भी फाइल हम लोगों की रह गई, हम लोगों का हुआ नहीं। तो जब हम लोगों का नहीं हुआ तो हम लोग आपस में ये तय किए कि भाई अब इतनी उम्र बीत गई, 61 वर्ष हो रहा है, और जब ये पैसे हम लोगों को नहीं मिलता, 9000 में हम लोगों को कैसे परिवार का भरण पोषण होगा? 9000 में हम लोग गाड़ी का पेट्रोल भी डलाते हैं, 50 से 60 किलोमीटर तक हम लोग जाते हैं, 80 किलोमीटर तक जाते हैं, कोई भत्ता नहीं मिलता, एक पैसा नहीं मिलता। कंप्लेंट कम से कम हमारे जिले के अंदर तो 200 के करीब आ जाती है, लेकिन सारी कंप्लेंटों को दुरुस्त करने का अधिकार ट्राइसम हैंडपंप टेक्नीशियनों को है। यही ऑनलाइन कटाते हैं, यही हैंडपंप बनाते हैं, यही इंडेंट भी देते हैं, सब सामान जो निकलता है वहाँ से इंडेंट देते हैं, और जितनी दूरी तय करते हैं ये सारा पेट्रोल उसमें खर्च हो जाता है जो ये देते हैं। 9000 परिवार, वही तो 9000 में परिवार हमारा नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम सीएम साहब के पास आए हैं मांग करने के लिए। सर, 9000 जो मिलते हैं, बच्चों की पढ़ाई लड़ाई सब कोई सुविधा नहीं है सर, कोई काम करके मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहाँ सभी वर्गों को राहत दे रहे हैं, उनकी झोली भर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया तो इनकी झोली आज तक खाली है। और वास्तव में देखा जाए वो जमाना जब हम याद करते हैं कि हमारे घरों में जो पानी पहुँचता था वो इन्हीं की देन से पहुँचता था, हम हैंडपम्प पर जाते थे और पानी भर के घर में लाते थे, उसी पानी से हमारा जीवन यापन करते थे। आज वही कर्मचारी जिन्होंने हमें जीवन दिया, पानी दिया, वही रोडों पर खड़े हैं। मामा जी इतने संवेदनशील है, 2023 का चुनाव है और मात्र ये 200 कर्मचारी है, इनकी अगर तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो सरकार को कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि ना तो हमारा मेडिकल क्लेम मिलता, ना कोई भत्ता मिलता, तो ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? इतना बड़ा विभाग है, इतने पैसे हैं, तो ये 200 कर्मचारी हमें ऐसा अन्याय क्यों? मामा जी ये जवाब पूछ रहे हैं, आपकी राजधानी भोपाल आपसे मिलने आए हैं। मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से आवाज़ आप तक पहुँचे और इन समस्या का समाधान शीघ्र करें। हेडलाइन 24 संतोष।